दूंगा हमारे MS गुप्ता साहब जो प्रेसिडेंट हैं क्राइम फ्री भारत के, एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट आई वर्क विद MS गुप्ता साहब व्हेन ही वाज SP भोपाल। शुरू से ही वो जो है बहुत पैशनेट रहे किसी भी चीज को लेके, जो वो सोच लेते हैं उसको करने के लिए तन मन धन सब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एंड आई वाज एक तरीके से यूं कहें कि मुझे लगता था कि आफ्टर इज रिटायरमेंट, बल्कि शुरुआत से ही कुछ समय पहले से ही उन्होंने ये मुहिम शुरू कर दी थी। एंड उनका पैशन मैंने देखा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट उनका देखा है, और चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए कैसे लोगों को इकट्ठा करके किसी चीज तक पहुंचना उनका पैशन मैं जानता हूं, और मुझे उम्मीद है कि इस पैशन में वो डेफिनेटली आगे जाएंगे और काफी हद तक वो सक्सीड भी करेंगे। रिगार्डिंग क्राइम फ्री भारत, आई मस्ट से दैट बीइंग अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है हम लोग जो मदद कर सकते हैं और काफी हद तक वो सक्सीड भी करेंगे। रिगार्डिंग क्राइम फ्री भारत, आई मस्ट से दैट बीइंग अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है हम लोग जो मदद कर सकते हैं और करने की कोशिश हमने की है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपराध के उनके किए अपराध की सजा दिला सकें, जिससे एक मैसेज समाज में जा सके कि अगर वो अपराध करेगा तो बचेगा नहीं। और इस ड्राइव को हमने काफी एग्जीक्यूट भी किया है, खासतौर से जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध थे, रेप वगैरह, उसमें मैक्सिमम कन्विक्शंस हम लोगों ने माननीय न्यायालयों के माध्यम से दिलाए हैं। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात पे अप्रिशिएट किया कि मैक्सिमम पेनल्टीज जो हैं, डेथ पेनल्टीज, वो मध्य प्रदेश में हुई। तो जैसा ये ड्राइव है इसमें बहुत सारी एजेंसीज मिलके जैसे समाज को सुधारने के लिए कुछ, जैसे मेरा ही मानना है, जैसे बुजुर्ग लोग अपने रहते ही जो है प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट ना हो इस बात होता है या कुछ रंजिश रखता है, तो इस तरीके से एक घर में भी जो है मॉरल वैल्यूज बच्चों को सिखाना और क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये सब बातें अगर एक तरीके से बच्चा अपने बचपन से ही सीखेगा तो कभी भी क्राइम करने के लिए 10 बार सोचेगा। बाकी कुछ मेरा ये मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन अगर बहुत अच्छे से होता है तो अपराधी अपने किए अपराध की सजा जरूर पाता है, और उससे एक डेफिनेटली एक फियर क्रिमिनल्स के मन में होगा, या कि कोई भी क्राइम करने के पहले उसको सोचना पड़ेगा कि मैं शायद बचूंगा नहीं। तो कुल मिला के मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं गुप्ता साहब को, और मुझे एटलीस्ट, चूंकि मैं उनके साथ रहा हूं, काम किया है और कई केसेस उनके टाइम सॉल्व किए भी हैं, तो उनके इस पैशन से मैं बिल्कुल एश्योर्ड हूं कि इस ड्राइव में वो मैक्सिमम हाइट गेन करेंगे विद दिस। थैंक यू सो मच।